के पवित्र महीने पर किसी भी सोमवार के दिन बांध दीजिए यहाँ पर हरी चूड़ी, फिर देखिए चमत्कार। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से मिल जाएगी आपको जीवन के हर दुखों से मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना भक्ति और मर्यादा का महीना होता है। इसमें जितने भी शिव भक्त होते हैं वो पूरी तरह से भगवान शिव जी की भक्ति में लीन हो जाते हैं। दोस्तों, यह महीना पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित होता है और वेदों पुराण के अनुसार सावन के पवित्र महीने का नियंत्रण पूरी तरह से भगवान शंकर के हाथों में होता है। दोस्तों, यह माना जाता है कि सावन के पवित्र महीने में यदि आप भोलेनाथ की पूजा अर्चना विधि विधान से करते हैं तो आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के दुखों से मुक्ति मिल जाती है और आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीना होता है। शिव पुराण के अनुसार यदि आप नियमों का पालन करते हुए सावन के प्रत्येक सोमवार को व्रत करेंगे तो इससे आपको भगवान शिव की वो कृपा प्राप्त होगी जिसके बाद आपको कोई भी मनोकामना हो वह अवश्य ही पूरी हो जाएगी। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही लाभकारी होने वाला है। यह आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए बहुत जरूरी वीडियो है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जो आपको हरी चूड़ी का उपाय बताने जा रहे हैं, इस उपाय को यदि आप किसी भी सोमवार को विधि विधान से नियम पूर्वक कर लेते हैं तो न केवल आपका बल्कि आपके पूरे परिवार का जीवन बदल सकता है, आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आ सकता है। देखिए दोस्तों, सावन के महीने का विशेष महत्व होता है और इसके बारे में लिखा है कि सावन के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था जिससे माता लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई थी और सावन महीने में ही माता लक्ष्मी जी को धन की देवी का दर्जा प्राप्त हुआ था। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ भूलोक पर आ जाते हैं और जो भी व्यक्ति सावन के पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ के सामने अपनी झोली फैला दे उस व्यक्ति की झोली वह जरूर भरते हैं। शिव पुराण के अनुसार सावन के पवित्र महीने में जो भी व्यक्ति सावन के सोमवार का नियमानुसार व्रत करता है और भगवान भोलेनाथ उसकी जरूर सुनते हैं। यदि आप सावन के महीने में व्रत रखने में असमर्थ हैं तो आपको यह पवित्र महीने में वह उपाय करना चाहिए जो कि शिव पुराण में लिखा हुआ है। दोस्तों, हरी चूड़ी वाला महा उपाय जिसके बारे में शिव पुराण में अध्याय नंबर 54 में लिखा हुआ है कि अगर आप सिर्फ व सिर्फ सावन के किसी भी सोमवार के दिन हरी चूड़ी का जोड़ा इन पेड़ों पर बांधे जिनके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं तो आपके जीवन में एक चमत्कारिक सकारात्मक बदलाव आएगा। अगर आप सिर्फ एक हरी चूड़ी को जोड़ा उन पेड़ों पर बांधे जिनके बारे में शिव पुराण में लिखा हुआ है तो दोस्तों, आप अपने जीवन में कैसी भी दिक्कत में फंसे हो, कितने भी बड़े संकट से आप जूझ रहे हो, आपकी सब प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिल जाएगी, आपका जो भी कष्ट होगा वो जड़ से नष्ट हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अगर आप शिव भोले भंडारी के सच्चे भक्त हैं, अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे और आपके परिवार पर सदैव बना रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए। तो दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार भगवान भोलेनाथ को 3 वृक्ष अत्यंत प्रिय हैं। ये वृक्ष ऐसे वृक्ष हैं जिनके सामने अगर आप पूजा करें तो माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आपको शीघ्र ही मिल सकती है। कहा जाता है कि इन वृक्षों का भगवान शिव ने खुद धरती पर भेजा था जन कल्याण के लिए। इन वृक्षों में से कुछ ऐसे वृक्ष हैं जिन पर स्वयं भगवान शिव व माँ पार्वती का स्वयं वास है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा कि भगवान भोलेनाथ जी की यदि आप पूजा करेंगे तो आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद तुरंत मिल जाएगा, लेकिन आपने पूजा करते वक्त कोई भी ऐसी गलती कर दी जो आपको नहीं करनी चाहिए तो भगवान भोलेनाथ जल्दी रुष्ट भी हो जाते हैं। इसलिए आपको हम जितने भी उपाय बताने जा रहे हैं, खास तौर पर हरी चूड़ी वाला उपाय, आपको बहुत ध्यान से सुनना है और सभी विधि विधान से सही समय से ध्यान से कीजिएगा। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने नियम पूर्वक यह उपाय कर दिया तो आपको अपने जीवन के हर कष्टों से तुरंत मुक्ति मिल जाएगी और आपको अपने जीवन में कोई भी मनोकामना होगी वह तुरंत ही भोलेनाथ के आशीर्वाद से पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहला वृक्ष है वह है समी का वृक्ष। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जो समी का वृक्ष होता है वह भगवान शंकर व माँ पार्वती जी का ही स्वरूप माना जाता है। कहा जाता है कि समी वृक्ष पर कई देवी देवताओं का वास होता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति सावन के पवित्र महीने में किसी भी सोमवार के दिन समी वृक्ष पर एक जोड़ा चूड़ी हरी चूड़ी का बांध दे तो उस व्यक्ति के जीवन में ऐसा बदलाव आएगा कि उसको जीवन में कभी भी किसी प्रकार के कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि शिव पुराण के अध्याय नंबर 31 में साफ साफ लिखा हुआ है कि सावन के पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन प्रदोष काल के समय आप लोगों को बांधना होगा हरी चूड़ी का जोड़ा, वो भी समी के वृक्ष पर। प्रदोष काल का समय वह समय होता है दोस्तों जब न दिन होता है न रात, यानी कि शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक का समय प्रदोष काल का समय होता है।
अगर आपने ये हरी चूड़ी वाला उपाय प्रदोष काल के समय कर दिया दोस्तों, तो आपके जीवन की सभी कष्ट सभी परेशानियों का हाथों हाथ खात्मा भोलेनाथ करेंगे दोस्तों। दूसरा वृक्ष है दोस्तों, वह है बेल वृक्ष। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्कंद पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है कि माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ था बेल वृक्ष। जब माता पार्वती के पसीने की बूंद मध्यांचल पर्वत पर गिरी थी तो वहीं पर बेल वृक्ष उत्पन्न हुआ था। कहा जाता है दोस्तों कि अगर आप इस सावन के पवित्र महीने में सोमवार के दिन प्रदोष काल के समय बेल वृक्ष पर हरी चूड़ी का जोड़ा बांध देते हैं तो इसमें न केवल आपके जीवन में सौभाग्य भाग्य तथा राहु केतु का साथ मिलेगा बल्कि आपके जीवन की हर कष्ट हर परेशानियां आपसे दूर चली जाएंगी। इसी तरीके से तीसरा वृक्ष है दोस्तों, धतूरे का वृक्ष। कहा जाता है कि अगर आपने सावन में किसी भी सोमवार के दिन धतूरे के पौधे पर हरी चूड़ी चढ़ा दी तो दोस्तों आपके जो गुप्त शत्रु होंगे, जो आपके सामने वाले शत्रु होंगे, उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा, आपके शत्रु नष्ट हो जाते हैं दोस्तों। कहा जाता है कि सावन महीने में धतूरे का वृक्ष छूने मात्र से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और घर से भूत प्रेत बाधाएं सभी नष्ट हो जाती हैं और आपके जीवन में तरक्की उन्नति और लक्ष्मी जी का वास होने लगता है दोस्तों। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे वीडियो में आगे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करिएगा। ओम नमः शिवाय।